हेलो सर, आई एम कंफ्यूज्ड। मैं बीएससी इकोनॉमिक्स विद क्वांटिटेटिव टेक्निक ही है। अब मुझे बीएड के लिए कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए? एक्चुअली मेरा मेन फोकस गवर्नमेंट जॉब का है। प्लीज टेल मी। आपका कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं है, प्लीज रिप्लाई कर देना। कॉन्टेक्ट नंबर आपको डॉक्टर अजेंद्र सिंह का डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दिया गया है, वहां बात कर सकते हो। बीएससी इकोनॉमिक्स के कॉम्बिनेशन की बात है, बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी ये जरूरी है। देखिए, बीएससी इकोनॉमिक्स एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक है ना, यहाँ लिखते हैं इन्होंने कौन से तीन सब्जेक्ट पढ़े हैं। नंबर एक आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, दूसरा आपने पढ़ा है क्यूटी क्वांटिटेटिव टेक्निक, और तीसरा आपने पढ़ा है कंप्यूटर साइंस। अगर आपने ये पढ़े हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये बीएससी इकोनॉमिक्स क्वांटिटेटिव टेक्निक की अगर डेफिनेशन बदलती है तो सब्जेक्ट बदल जाएंगे। अगर ये पढ़े हैं तो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये है प्रॉब्लम। देखिए, क्वांटिटेटिव टेक्निक के लिए आप पेडागॉजी ऑफ मैथ्स ले सकते हैं। पेडागॉजी ऑफ मैथ्स अगर लेते हो तो आपका नुकसान क्या है, फायदा क्या है, आपको करना क्या होगा? आपको एडिशनल फिर भी देना पड़ेगा, एडिशनल इलेक्टिव मैथ्स किसका, ग्रेजुएशन का, 3 ईयर का, एक साथ में ही पेपर देने पड़ते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में कई यूनिवर्सिटियों के तो ये पेपर भी दो नहीं है, तीन होते हैं, तीन पेपर हैं, 3 साल के हैं, और ये बन गए 9 पेपर होने हैं। आप ये अगर आप कर सकते हो तो आपको फायदा है। दूसरा क्या है कि आपको नुकसान क्या है कि अगर आप नहीं ये एडिशनल करते तो आप किसी भी जॉब के लिए नॉट एलिजिबल हो गए। अगर आप अब अगर पंजाब की बात आप कर रहे हो तो अगर आपने क्वांटिटेटिव टेक्निक पढ़ी है तो क्वांटिटेटिव टेक्निक के लिए ये मैथ्स कौन कौन दे रहा है? नंबर एक पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला देगी, ठीक है, फिर भी शोर कर लूंगा, और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ये देगी। जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, ये अच्छी तरह से देखिए, आपने जितने वीडियो देखे होंगे ये बात आ रही है कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी क्यों रिस्ट्रिक्टेड है। बात यह है कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी वही आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दे रही है जिस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आप डायरेक्ट एलिजिबल हो जाते हो, जहां आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉब की बन जाती है एज कंपेयर टू पंजाब एंड पटियाला यूनिवर्सिटी के से कंपेयर करे तो। अब गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी क्वांटिटेटिव टेक्निक में आपको मैथ्स नहीं देती, मैथ टॉस है, तो क्यों नहीं देती? क्योंकि उसको पता है कि इसको पढ़ के बच्चों को फायदा नहीं होगा, बहुत ज्यादा जरूरी वाला है, एडिशनल देने वाला है, नेचुरली वो शिफ्ट करेगा। तो इट मीन्स क्वांटिटेटिव टेक्निक पर आपको आपने एरिया अगर बताते हो कि कहां किस एरिया में जाए यूनिवर्सिटी से आप कंपेयर करके इसका डिसीजन ले सकते हो। दूसरा है कि जैसे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने एक लेटर निकाला है कि आप 2 कोर्स एक साथ में कर सकते हो, आप इंक्वायरी नंबर पर पता करके कर लीजिए, अगर साथ साथ में आपका एडिशनल ये 9 पेपर होते हैं तो ऐसा भी हो सकता है, अगर आप में हिम्मत है कि आप इतने पेपर मैथ्स है ना इकट्ठे दे सकते हो। अब आपके 7 बजते हैं, आपने पूछा है कि जॉब के लिए मैं एलिजिबल बनना चाहता हूं, तो जॉब के लिए अगर एलिजिबल बनना चाहते हो तो आपको किधर जाना पड़ेगा? आपके लिए ऑप्शन कम बच रही हैं। एक तो कंप्यूटर साइंस है, आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो क्योंकि आपने ग्रेजुएशन में 3 साल पढ़ा है, 3 ईयर वाली कंप्लीट है, इलेक्टिव पढ़ा है वो भी पूरी हो गई, और आपके मार्क्स कितने हैं वो नेचुरली है कि 55 से ज्यादा ही होंगे, 55 से प्लस चाहिए एलिजिबिलिटी की, तो कंप्यूटर आपका पक्का कॉम्बिनेशन बन गया। बीएससी इकोनॉमिक्स विद क्वांटिटेटिव टेक्निक वाले जो कंप्यूटर को ही बेटर वो चूज करेंगे। अब और कंप्यूटर फर्स्ट हो गया, आपका फर्स्ट रैंक हो गया, तो कंप्यूटर के बाद आपका सेकंड कौन सा लेना है, ये एक प्रॉब्लम है। इसका फर्स्ट कॉम्बिनेशन कंप्यूटर का तो बन सकता है, ये वाला बन सकता है कि हाँ ये वाला इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स के बेनिफिट क्या है, क्या आपको एमए इकोनॉमिक्स करोगे तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल होगे। जैसे कि ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है, ये लेटर जहां वीडियो मैंने डाला है यूजीसी की गाइडलाइन से पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने स्टार्ट किए हैं,
तो अगर आप बीएड के साथ आपको एमए इकोनॉमिक्स ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से करनी है तो आप ऐसा कर सकते हो, तब आप जाते ही जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगे। क्या आपका कॉम्बिनेशन बना कंप्यूटर साइंस, इस पर पूरा हरा टिक है, हरा कलर इसलिए यूज किया था, ये थोड़ा थोड़ा येलो सा है ना ऐसा, तो थोड़ा थोड़ा इस पर है संभावना आपको एमए करनी होगी इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स के लिए ड्यू डिग्री में आपके फिटिंग होती है तो आप ओके हो। दूसरा, अगर आप इकोनॉमिक्स पीजीटी के लिए जाना ही नहीं चाहते, टीजीटी के लिए रहना चाहते हो, तो आपके लिए ऑप्शन क्या होगी? तो आपको इकोनॉमिक्स को रिमूव करके आपको जो जनरल आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उन पर जाना होगा। मेरे ख्याल में आपने दो सब्जेक्ट पढ़े होंगे, इंग्लिश जनरल, इंग्लिश एंड जनरल पंजाबी, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि कंप्यूटर के साथ आपका इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में जब कैंसिल हो जाता है तो फिर आप इसको बाईपास करते हो, यहां पर जहां तो इंग्लिश को चूज करोगे, आपका कॉम्बिनेशन बनता है एक कंप्यूटर इंग्लिश, अगर इंटरेस्ट पंजाबी में तो कंप्यूटर पंजाबी। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको बाद में इलेक्टिव इंग्लिश, अगर इंग्लिश चूज करते हो, अगर पंजाबी चूज करते हो तो इलेक्टिव पंजाबी के एग्जाम 3 साल के, 3 × 2 दो पेपर होते हैं हर साल के, 6 पेपर देने होंगे। अब ध्यान से देखिए कि यहां पर मैथ्स है, डिफिकल्टी लेवल रीजनिंग है ना, नंबर सिस्टम सिंबल से डील करना है, मैथ्स का क्या काम है, यही है। तो 9 पेपर है, डिफिकल्टी लेवल भी ज्यादा है, तो इसका ग्राफ अगर उठाएंगे यहां तक डिफिकल्ट है, तो ये जो अपने एडिशनल इंग्लिश और पंजाबी का करना है ये इतना सा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इंग्लिश का यहां तक हो सकता है, पंजाबी का तो दैट इज वाई दे डिपेंड करेगा आपकी एबिलिटी पर और इंटरेस्ट पर। तो इन 3 में से आपको एक चूज करना होगा, इजी जो बनता है पंजाबी और इंग्लिश ही बनता है आपका, ठीक। तो इनका कंक्लूजन क्या है, बीएससी इकोनॉमिक्स क्वांटिटेटिव टेक्निक, कंप्यूटर पक्का, कंप्यूटर के साथ इकोनॉमिक्स दूसरा, अगर पीजीटी बनना चाहते हो तो, अगर टीजीटी बनना चाहते हो तो इसको कैंसिल कर देना, कैंसिल करके आप लैंग्वेज को चूज करो, आइदर पंजाबी और इंग्लिश, लेकिन उसके बाद भी आपको एडिशनल देना होगा। ये एडिशनल अगर साथ साथ में हो जाते हैं, अगर ऐसा मैं यूनिवर्सिटी की सर्च करके बता दूंगा ये यूनिवर्सिटी करा रही है नहीं करा रही, कब करा रही है एडिशनल, और अलग सा वीडियो आ जाएगा, उसको आप देख के फिर टाइमली है ना अप्लाई कर सकते हो। अगर वीडियो का इंतजार जरूरी है, मेरी वीडियो देखने की या इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी यूनिवर्सिटी इंक्वायरी से पता कर सकते हो। तो दैट इज ऑल, एनी क्वेश्चन अबाउट बीएससी इकोनॉमिक क्वांटिटेटिव टेक्निक आप पूछ सकते हो। डॉक्टर पीरस सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज, थैंक यू।